मेरी गुजारिश किसान जागीर से रहेगी कि वो स्टेज पे आए और अपनी सफलता यात्रा के बारे में स्टूडेंट्स को है वो बताएं, मोटिवेट करें। यस किसान, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं किसान। सबसे पहले तो मेरा नाम तिशान जहांगीर है। तो तिशान जागीर जो है ये 222वीं रैंक से सेलेक्ट हुए और एलएलबी इन्होंने आरयू से 2021 में की, एलएलएम आरयू से 2023 में किया और इनका भी सेकेंड अटेम्प्ट था। अपने यहाँ से ये जजमेंट राइटिंग की क्लास, मेंस टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू गाइडेंस के प्रोग्राम में वो शामिल थे। यस तिशान, अब आप बताएं किस तरीके से आपने वो तैयारी की और इस गोल को वो अचीव किया आपने। सर सबसे पहले तो सबको नमस्कार करना चाहूँगा। बेसिकली जब मैं तो सबसे पहले जब मैं फाइव ईयर में था तो मेरा क्या है, मैं पैरालंपिक्स की तैयारी करने लग गया था एज आई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड द स्पोर्ट्स। तो किसी पॉलिटिकल रीजन से कारण क्या है, मेरा आगे मेरे को प्रमोट नहीं करने दिया। तो फिर बाद में मैंने देखा कि जुडिशरी की तैयारी करने थी, जिसमें सबसे पहले जो इन्होंने साथ दिया वो अभिषेक शर्मा जी थे, लेकिन इन्होंने मेरे को थोड़ा तैयारी करना सिखाया कि कैसे करना है। बाद में फिर हमार को लगा कि अब बेरेक तो कवर होने लगे तो इसको अनाउंसमेंट चाहिए था। तो मैं सर के डी सर के पास सबसे पहले जुड़ा, जहाँ पे सबसे पहले हमने मेंस की टेस्ट सीरीज़ को किया। तो सर ने जैसे तीन तीन नंबर के क्वेश्चन है, पाँच नंबर के हमें कितना अटेम्प्ट करना है, कितना कितना उसमें लिखना है, तो वो सर ने हमार को बताया। तो वो काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल रहा सर हमारे लिए। ओके ओके। यस, इसके अलावा आपने बेरेक्ट वगैरह प्रीलिम्स की जो आपकी तैयारी थी, किसी गाइड का सहारा लिया या केवल है वो कोई टेस्ट सीरीज वगैरह भी ली, और मेंस में केवल बेरेक्ट या आपके पास मटेरियल था उस पर ही आपने किया, या इसके अलावा कोई किसी गाइड का सहारा भी लिया क्वेश्चन आंसर्स वगैरह पढ़ने के लिए? सर सबसे पहले तो प्रीलिम्स में जब मेरा था तो मैंने सिर्फ बेरेक पे कंटेस्ट रखा और इलस्ट्रेशंस जो थे मैंने सबसे ज़्यादा उन्हीं पे फोकस किया था कि इलस्ट्रेशंस को मैं कर सकूं, जिसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि मैं 70 में से 65 तो मैं लॉ में कवर कर गया था, जो कि काफ़ी एक सही रहा। तो मेरी पीस ऑफ एडवाइस भी आप सबको ये रहेगी कि आप कर तो रही हो लेकिन इलस्ट्रेशंस को रेगुलर पार्ट ऑफ बना लो, कि जिससे कि क्या है अपन इलस्ट्रेशंस करते रहेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगी, जो कि आपको प्रीलिम्स में ही नहीं मेंस में करेगी। और नेक्स्ट टाइम आपका जब कभी भी प्रीलिम्स आए तो आप सबसे पहले एक दिन छोड़ देना लास्ट का, जिस दिन आपको ये रहे कि मेरे को CRPC, IPC, कॉन्ट्रैक्ट, TPA इनके सिर्फ इलस्ट्रेशंस करने, उसके अलावा अपन को कुछ भी नहीं देखना। और आप खुद देख सकते हो कि भाई प्रीलिम्स में आप खुद भी सब तैयारी कर रहे हो, जिसमें आपने खुद ने देखा है कि काफ़ी सारे के सारे अपने उसमें से ही अपन को बेरेक्स में से मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद तिशान। जिस तरीके से तिशान ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि जो बेरेक्ट के अंदर जो लिखी हुई बातें हैं, चाहे वो इलस्ट्रेशन है, चाहे वो एक्सप्लेनेशन है, चाहे वो एक्सेप्शंस है, चाहे प्रोविजोज है, वो सब आपको है वो बहुत अच्छे से है वो करना है। यदि ये सब चीज़ें अच्छी होगी, प्रीलिम्स का पेपर 2024 का आप देखेंगे तो 50% पेपर ही सारा इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शंस, प्रोविजो इन पर है वो बेस्ड था। अब जिन्होंने केवल सेक्शंस की हेडिंग पढ़ी और बेयर प्रोविजन पढ़ लिया और उसके ये एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन वगैरह इनको है वो नहीं पढ़ा, उनके लिए पेपर टफ हो गया। और जिन्होंने बहुत अच्छे से कर रखी थी ये सब चीज़ें, कुछ केस लॉज भी कर रखे थे, उनके लिए पेपर है वो ईजी हो गया। तो ये बिल्कुल सही। और इवन मेंस के अंदर भी इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ए और बी की जगह कोई नाम है वो लिख देते हैं, राम श्याम या इस तरीके से, और वो आंसर वही होगा जो आपने इलस्ट्रेशन में पढ़ा है कि इसमें ये ऑफेंस पे डाउट हो रहा है, मर्डर हो रहा है, कल्पेबल होमिसाइड हो रहा है, थेफ्ट हो रहा है, एक्सटोर्शन हो रहा है, रॉबरी हो रहा है, क्योंकि जहाँ थोड़ा सा हल्का सा हेयरलाइन डिफरेंस है एक्सटोर्शन और रॉबरी के बीच में, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में, तो वो वहाँ से इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन उठाते हैं और आपने उसको अच्छे से वो देख रखा है, यदि अच्छे से पढ़ रखा है तो आप एक मिनट में आंसर पे वो पहुंच जाएंगे। तो ये अभी से करें। वैसे क्लास में मैं बहुत अच्छे से ही वो प्रयास करता हूँ शुरू से ही हर एक्ट में कि आपको एवरी इलस्ट्रेशन, एक्सेप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रोविजोज वगैरह बहुत अच्छे से वो पढ़ना है, और इसी कारण से वो मैक्सिमम स्टूडेंट वो सेलेक्ट भी हुई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।